Yesterday, coming up in the car, we drove it in 2 days from Tucson, here, right? 2,000 miles. Billy and I. कल यहाँ कार से आते हुए हमने 2 दिन ट्यूसान से यहाँ 2,000 मील कार चलाई, बिली और मैंने. And so we, now that wasn't breaking any speed laws. We stayed right. और इसलिए हमने गति सीमा के कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया था, हम ठीक रहे. I sat there, he's driving, got my fist back like a shotgun with a hammer back. यदि वो चला रहा होता तो मैं अपनी मुट्ठी बंदूक की तरह हथौड़े के समान पीछे किए हुए वहाँ बैठा था. मैं उसे उस गति के ऊपर जाते देखता तो मैं कहता, लड़के एक मिनट ठहरो. अब हमें बताया गया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो. Mother dead over in a ditch. जब हम पिछली रात्रि यहाँ आए, एक छोटी लड़की टेढ़ी मेढ़ी सड़क के बीच में पड़ी थी, लगभग 3 वर्ष की थी. माँ उधर गड्ढे में मरी पड़ी थी. Some drunken boy coming from the ROTC, 18 years old, driving 120 miles an hour on the left hand side of the road, killed. कोई लड़का पिए हुए ROTC की ओर से आ रहा था और 18 वर्ष आयु का था, 120 मील की प्रति घंटा की गति से वाहन चला रहा था, सड़क की बाईं ओर मरा पड़ा था. And I guess he was dying too. और मुझे लगता है वो भी मर रहा था. Then you can realize what it is. तब आप अनुभव कर सकते हैं कि वो क्या है. Give Caesar what Caesar's. कैसर को कैसर का दो. Innocent people dying. भोले भाले लोग मर रहे हैं. A little 3-year-old girl lost her life because of some drunken soldier. Driving 120 miles an hour estimated on the wrong side of the road. एक 3 वर्ष की बालिका का जीवन समाप्त हो गया क्योंकि कोई पिया हुआ सिपाही लगभग 120 मील प्रति घंटा की गति से सड़क की गलत ओर आ रहा था. Coming up over the hill, shot right down, killed him, all right there together. ऊपर पहाड़ पर से आया और सीधी टक्कर मारी और एक साथ वहीं मार डाला. He was dying too. और वो भी मर रहा था. So, then you see. Even though the innocent party was doing. देखिए, यद्यपि निर्दोष जन समूह इस प्रकार मर रहा है. Now that boy is guilty of cold-blooded murder. अब ये लड़का सुनियोजित हत्या का दोषी है. देखा? I think if a man would be caught on the road drinking, he ought to be given 10 years flat for premeditated murder. Any man calls it just any man. मैं सोचता हूँ यदि ये मनुष्य सड़क पर पिए हुए पकड़ा जाता, उसको सीधी तौर पर 10 वर्ष की जेल होनी चाहिए उस असमय पहले से विचारी गई हत्या के लिए. कोई भी मनुष्य जो इसका कारण होता है, कोई भी मनुष्य. हम राजनीति से कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये सड़ी हुई है. God's idea of having a king, a righteous king, is right. परमेश्वर का विचार राजाओं का है, धार्मिक राजा अच्छा है. Politics just simply spread out, you can buy anything out, cheat, lie, steal, everything else. परंतु राजनीति ने कुछ ऐसा ही फैला रखा है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बेईमानी, झूठ, चोरी, हर चीज. As I said a few Sundays ago, and look where you're at. Nothing but just a crooked mass of everything. जैसा कि मैंने कुछ सप्ताह पहले कहा, और देखिए कि आप कहाँ हैं, कुछ नहीं है, केवल हर चीज का कुटिल जन समूह. परंतु एक धार्मिक राजा अपनी व्यवस्था बना सकता है. और आप एक मनुष्य को मार सकते हैं, आप अच्छी राजनीति को जानते हैं, ये ठीक है, आप इससे बच जाते हैं. And so the democracy is a good idea, but it won't work. समझे? और इस प्रकार से ये प्रजातंत्र एक अच्छा विचार है, परंतु ये काम नहीं करेगा. You like communism? All things in common. It sounds good, but it won't work. No. जैसे कि कम्युनिज्म, सब वस्तुएं सामान्य है, ये सुनने में अच्छा लगता है, परंतु ये नहीं चलेगा, नहीं. God's way of having a king like David was right. परमेश्वर का तरीका राजाओं का है, जैसे दाऊद था,
ठीक था। आप एक विचार केंद्रित हैं, जैसे एक मार्गदर्शक और गीज बतखों का झुंड या वगैरह वगैरह। उनमें से आप दो या तीन नहीं ले सकते और तब आप उन सबको मिला देते हैं, आप किसी भी प्रकार के विचार के साथ आ सकते हैं। So, इसलिए हम आज की दशा प्रभु के आने के लिए तैयार पाते हैं।